चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। महंगाई से राहत के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम, रिफाइंड ऑयल की कीमतों में आएगी बड़ी गिरावट। सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क 5% घटाया। बिपरजॉय तूफान गुजरात के जखो में तट से टकराया, हवा की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटे 150 तक पहुंचने की आशंका। पेड़ उखड़े, बिजली के खंभे गिरे, 100 किलोमीटर तक नुकसान, हजारों मकानों की छतें उड़ी। अगस्त तक 1,00,000 सरकारी पदों पर भर्ती करेगी मध्य प्रदेश सरकार, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। कर्नाटक में निरस्त होगा धर्मांतरण विरोधी कानून, सिद्धरमैया सरकार की कैबिनेट का फैसला, बीजेपी सरकार ने सितंबर 2022 में लागू किया था। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले बड़ी डील, अमेरिका से भारत खरीदेगा घातक ड्रोन, रक्षा मंत्रालय ने लगाई मुहर। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच अमित शाह का बड़ा ऐलान, मृतक के परिवारों को मिलेंगे 10,00,000 रुपए और नौकरी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में बड़ा फैसला, अब डॉग स्क्वाड रखेगा आतंकियों पर नजर, उधमपुर में होगी तैनाती। राहुल सिद्धरमैया और डीके को समन, भाजपा नेता की शिकायत, कांग्रेस के 40% कमीशन वाले विज्ञापन से बीजेपी की इमेज खराब हुई। ओडिशा में करीब 100 करोड़ खर्च कर पुलिस स्टेशनों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, अब आधे से अधिक ठप घोटाले की आ रही बू। जनवरी में पीएम करेंगे राम मंदिर का उद्घाटन, योगी बोले श्री राम अपने मंदिर में आने वाले हैं, अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के टॉपर्स को ई स्कूटर देने को दी हरी झंडी। नोएडा वासियों के लिए जरूरी खबर, आधार कार्ड में गलती होने पर लटक सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। उत्तराखंड पुरोला में नहीं हुई महापंचायत, 19 जून तक धारा 144 लागू, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, बाजार बंद। एशिया कप श्रीलंका और पाकिस्तान में होगा, भारत का कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं होगा, फाइनल भी श्रीलंका में खेला जाएगा। 2025 तक हर खेत सिंचाई का पानी पहुंचेगा, लक्ष्य हर हाल में हो पूरा, सीएम नीतीश कुमार ने दिया निर्देश। ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा, मायावती के सीएम रहते उनके भाई भाभी को 46% छूट पर मिले थे 261 फ्लैट्स। महिला पहलवानों को बड़ा झटका, ब्रिजभूषण के खिलाफ पुलिस को नहीं मिले सबूत, चार्जशीट में पॉक्सो हटाई। केंद्रीय मंत्रियों ने देश भर में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, बोले 9 वर्षों में विश्व में बड़ा भारत का कद। भारत में अब घटिया क्वालिटी के जूते चप्पल नहीं बनेंगे, फुटवेयर कंपनियों को 1 जुलाई से करना होगा नए नियमों का पालन। पीएम मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र में बनेगा मेमोरियल वॉल, शांति मिशन के सैनिकों में होगी समर्पित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार महंगाई को कम रखने के लिए है प्रतिबद्ध, लगातार कम हो रहा इन्फ्लेशन। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव, नामांकन पर बीजेपी टीएमसी की टकरार जारी, शुभेंदु अधिकारी ने कहा ममता का जंगल राज। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की तरफ बढ़े कदम, सीएम भूपेश बघेल ने दिए नशा मुक्ति जन जागरण अभियान आरंभ करने के निर्देश। आम आदमी की बढ़ेगी परेशानी, अदरक की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, बेमौसम बारिश से खराब हुई फसल। यूसीसी को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस हमलावर, जयराम रमेश बोले ध्रुवीकरण का एजेंडे फिर से शुरू हुआ। G20 की काशी में होने वाली बैठक में आ सकते हैं पीएम मोदी, 200 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। यूपी में अब बीजेपी करेगी खाने पे चर्चा, 2024 से पहले मोदी योगी के काम पर फोकस, की गई असरदार परिवारों की पहचान। कुछ खबरें, अगले 3 सालों में 38,800 शिक्षक और सपोर्ट स्टाफ के पदों पर होगी भर्ती, केंद्र सरकार ने की घोषणा। 24 जून को जेपी नड्डा और 29 को अमित शाह बिहार में भरेंगे हुंकार, बीजेपी ने बनाई लोकसभा चुनाव की रणनीति। बिहार, खाकी में रील बनाने पर प्रतिबंध, ऑन ड्यूटी चैटिंग पर भी लगा विराम, एसपी ने पुलिस वालों को दी हिदायत। ट्रेनों की सफाई के लिए लंबी अवधि के लिए होगा ठेका, 62 ट्रेनों में नई व्यवस्था को लागू करने का दिया निर्देश। मध्य प्रदेश चुनाव 2023, युवाओं व किसानों के लिए अलग से वचन पत्र बनाएगी कांग्रेस, सबको मिलेगा रोजगार और ऋण होगा माफ। यूपी को पीएम पोषण योजना में मिले 2621 करोड़, विद्यार्थियों की थाली में परोसा जाएगा सरी अन्न से बना भोजन। एक बार फिर से हिमाचल में बनी 15 दवाओं के सैंपल फेल, संबंधित फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी। भारत का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल, 25 सालों से देश की सुरक्षा में तैनात, चीन और पाकिस्तान के हथियार भी इसके बराबर नहीं। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार पीएम किसान की तरह देगी 6,000 रुपए। सिद्धरमैया सरकार को झटका, कर्नाटक में कांग्रेस की 5 में से 1 गारंटी पर लगा ग्रहण, केंद्र ने चावल गेहूं की बिक्री पर लगाई रोक। तमिलनाडु में जांच के लिए सीबीआई को लेनी होगी राज्य सरकार की अनुमति, सीएम स्टालिन का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज का ऐलान, स्ट्रीट वेंडर से अब नहीं होगी कोई वसूली, ठेला खरीदने मिलेगी सब्सिडी।
2024 की तैयारी, नए चेहरों की बारी, मोदी कैबिनेट बदलेगी और बीजेपी संगठन भी। नहीं किया सहयोग तो बंद कर देंगे फेसबुक, कर्नाटक हाईकोर्ट की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सख्त चेतावनी। ईंधन की कीमतें ऊंची रखकर मुनाफाखोरी कर रही सरकार, चिदंबरम ने केंद्र पर लगाया आरोप। पंचायत चुनाव में नामांकन खत्म होते ही ममता ने 17 को चुनावी समिति की बुलाई बैठक, अभिषेक बनर्जी भी रहेंगे मौजूद। चुनावी घोषणाओं पर आम आदमी पार्टी का तंज, भाजपा और कांग्रेस पर लगाया दिल्ली मॉडल कॉपी करने का आरोप। सावधान, दिल्ली में सड़कों से उठाए जा रहे हैं पुराने वाहन, परिवहन विभाग ने फिर शुरू किया अभियान। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा के लिए बीजेपी को ठहराया दोषी, कहा भाजपा की नफरत की राजनीति से जल रहा राज्य। झारखंड में जोर शोर से चल रहा है ईसाई मिशनरियों के मांतरण का खेल, दूसरे राज्यों से आए 1.5 दर्जन लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को बुआई के समय नहीं लगाने होंगे चक्कर, ऑनलाइन करा सकेंगे बीज की बुकिंग। हरियाणा में बोले सुरजेवाला, केंद्र व प्रदेश में बैठी सरकारों से जनता दुखी, नई कांग्रेस का करेंगे निर्माण। सीएम योगी ने मेधावियों को बांटे लैपटॉप, बोले हमारी सरकार ने लागू की नकल विहीन परीक्षा व्यवस्था। मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, पुराने कैबिनेट नोट को नष्ट करवाया ताकि इसका कोई सबूत न बचे। मिशन 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार दे रहे हैं जेपी नड्डा, मिशन भाजपा के तहत जनसंपर्क बढ़ाएंगे जेपी नड्डा। अब पतंजलि करेगी पाम ऑयल का प्रोडक्शन, 5 लाख किसानों को होगा सीधा फायदा। 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान, महंगाई से मिल सकती है राहत, आरबीआई ने जारी की एनुअल रिपोर्ट। सिग्नल क्लियर करने के लिए शॉर्टकट अपना रहे थे कर्मचारी, उड़ीसा ट्रेन हादसे से पहले ही रेलवे ने दी थी हिदायत। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने नागपुर में पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। मानवता, दुनिया में भारतीय जवानों की शांति दूतों के तौर पर बनी पहचान, 2.75 लाख से ज्यादा जवानों ने दिया योगदान। नए नए बिल्डर आए, लोगों की गाढ़ी कमाई लूटी और गायब हो गए, गाजियाबाद में अटकी 40 से ज्यादा परियोजनाएं। आम आदमी की थाली से गायब हो रही है अरहर और उड़द की दालें, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पहाड़ी इलाकों के लिए डीजीसीए की गाइडलाइन, पिछले साल दुर्घटना में गई थी 7 की जान। पहली बार डिजिटल होगा जनगणना, जाति, शौचालय, स्मार्टफोन, लैपटॉप और कार समेत पूछे जाएंगे 31 सवाल। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो कर्नाटक में निरस्त होगा धर्मांतरण विरोधी कानून, सिद्धरमैया सरकार की कैबिनेट का फैसला, बीजेपी सरकार ने 2022 में लागू किया था। जी हाँ, कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करने का फैसला किया है। सिद्धरमैया सरकार 3 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा एक विधेयक पेश करेगी, यह जानकारी कर्नाटक के कानून और संसदीय मंत्री ने कैबिनेट मीटिंग के बाद दी। गौरतलब है कि एंटी कन्वर्जन लॉ बीजेपी सरकार ने 2022 में इसे लागू किया था। भाजपा सरकार में पारित हुए इस अधिनियम में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा और गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी धोखाधड़ी के जरिए एक धर्म से दूसरे धर्म में गैर कानूनी धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रावधान था। इसके अंतर्गत 25,000 जुर्माने के साथ 3 से 5 साल की सजा होती थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार डिजिटल होगा जनगणना, जाति, शौचालय, स्मार्टफोन, लैपटॉप और कार समेत पूछे जाएंगे 31 सवाल। जी हां, कोविड महामारी की वजह से अनिश्चित काल के लिए टाली गई जनगणना के आगामी लोकसभा चुनाव से पहले होने की संभावना नहीं है। लोकसभा चुनाव अगले वर्ष मार्च अप्रैल में होने हैं। जनगणना जब भी होगी तो उसमें स्मार्टफोन, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, दोपहिया वाहन और मुख्य रूप से उपभोग किए जाने वाले अनाज जैसे कि लगभग 31% पूछे जाएंगे। जनगणना का घरों को सूचीबद्ध करने का चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR को अपडेट करने की कवायद पूरे देश में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक चलनी थी, लेकिन इसे कोविड-19 महामारी की वजह से स्थगित कर दिया गया था। तब से सरकार ने अभी तक नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। सस्ता होगा खाने का तेल, सरकार ने सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर घटा इंपोर्ट ड्यूटी। जी हां, आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने रिफाइंड सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर तत्काल प्रभाव से इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। इससे आने वाले दिनों में घरेलू बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे खाने के तेल के दाम में गिरावट देखने को मिल सकती है। सरकार ने सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर आयात शुल्क को 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आमतौर पर भारत में कच्चा सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल आयात किया जाता है, फिर उसे घरेलू स्तर पर रिफाइंड बनाया जाता है। इसके बावजूद सरकार ने रिफाइंड सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर आयात शुल्क में कटौती की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के टॉपर को ई स्कूटर देने को दी हरी झंडी। जी हां, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आज सरकारी स्कूलों में 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाली लड़कियों और लड़कों को ई स्कूटर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री खुद को राज्य के बच्चों का मामा कहते हैं। उनकी सरकार ने करीब आ रहे विधानसभा चुनाव से पहले यह घोषणा की है। इस फैसले के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को
फर्जी घोषणाओं का उस्ताद करार दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार का फैसला साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है। बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए परिवार की आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।